So hello everyone, I welcome you all to this prestigious platform from Unacademy, that is NEET UG Intern. My name is Vipin Kumar Sharma and I am your biology mentor at this particular platform. आज हम बात करने वाले हैं about zoological park. So we were doing the discussion about taxonomical aids. We have already discussed about the herbarium, जो कि सिर्फ और सिर्फ plants के लिए था, because herbarium के नाम में ही herb word आता है, which is related to plants. Then we have already talked about the botanical garden, which was only for you know plants, क्योंकि botanical garden इसमें एक word आता है botany, which is the study of plants. Okay, and after that we got to know about museum, जहां पर आपके plant और animal दोनों तरीके के specimens आपके रखे जा सकते हैं. Now it's time for zoological parks. So अगर आप अभी नाम में जाने की कोशिश करें, then what is the name? Zoological. So zoological में पहला जो word आया, that is zoology, which is the branch of biology जिसके under हम animals को study करते हैं. So जूलॉजी के अंडर आप लोग क्या करेंगे? एनिमल्स की स्टडी करेंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी द टैक्सोनॉमिकल एड, जो कि एनिमल की आइडेंटिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि प्लांट्स की. सो इट इज ओनली कन्फाइंड फॉर एनिमल्स, इट डजंट हैव एनी काइंड ऑफ रोल इन एनी ऑफ द प्लांट्स, दैट इज फॉर श्योर. सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन. सो दीज आर सम क्रेडेंशियल्स ऑफ माइन, इफ यू वॉन्ट टू हैव अ लुक यू कैन, अदरवाइज लेट्स प्रोसीड. दोस्तों आप हमसे जुड़ सकते हैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करके. यू कैन गेट दिस ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. और जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे और गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे, यू विल गेट ऑल आवर सब्सक्रिप्शन पैक्स ऑन योर स्क्रीन्स. आई रिकमेंड यू गाइज कि आप एक साल या दो साल का एक पैक यहाँ पर ऑप्ट करें, बिकॉज एक साल और दो साल के पैक्स आपको कंपैरेटिवली सस्ते पड़ते हैं एंड यू कैन पास देम ऑन एज वेल. और अगर आप यहाँ पर रेफरल कोड विपिन एंटर करते हैं तो आपको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट मिलेगा. आपको मेरे सारे के सारे नोट्स मिलेंगे, एज वेल एज आपको मेरा 1 ईयर ऑफ मेंटोरशिप प्रोग्राम मिलेगा फॉर फ्री. सो आई रिकमेंड यू गाइज कि आप विपिन नाम का ये कोड यहाँ पर एंटर करें, जिससे कि मैं आपकी पूरी पूरी सहायता कर सकूं एंड वी कैन मेक इट टू अ गुड मेडिकल कॉलेज. ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन जूलॉजिकल पार्क्स. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइज कि यहाँ पर जूलॉजी वर्ड आता है, इट मीन्स दैट जूलॉजिकल पार्क्स आपके एनिमल्स के लिए हैं, किसी और के लिए नहीं. These are the places where wild animals are kept in protected environments. इनको आप लोग प्यार से zoo भी बोलते हो. So zoo आपने देखा होगा काफी बार, बहुत ही जो congested शहर होते हैं उनके बीच में भी पाया जाता है. यानी कि zoo का जो area है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता. जैसे कि लखनऊ जैसा शहर है जो कि काफ़ी ज़्यादा congested है, वहाँ पर भी आपको zoo देखने को मिल सकती है. काफ़ी बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पर आपको zoo देखने को मिलेगी, जो बहुत ही भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं. So, उन इलाकों में आप एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एरिना कवर नहीं कर सकते. इट मीन्स दैट जूलॉजिकल पार्क्स कैन इवन बी क्वाइट कंजेस्टेड. उन कंजेस्टेड इलाकों में एनिमल्स को लाया जाता है और रखा जाता है, जिससे कि उनके बिहेवियर को नोटिस किया जा सके. सो व्हाट काइंड ऑफ कंजर्वेशन इट इज गोइंग टू बी? इट इज गोइंग टू बी एक्सीटू कंजर्वेशन, क्योंकि बाहर से एनिमल्स लाकर आप इस एनवायरमेंट में रखते हो. ओके, सो आप इस प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट में रखते हो अंडर ह्यूमन केयर. सो ह्यूमंस क्या करते हैं? उनकी डेली एक्टिविटी को नोटिस करते हैं. सिंस एरिया बहुत कम है तो ह्यूमंस निगरानी रख सकते हैं उनके ऊपर कि किसी एनिमल को क्या खाना पसंद है, किस तरीके की उसकी रिप्रोडक्टिव हैबिट्स हैं, किस तरीके की उसकी लाइफ साइकिल है, लाइफ पैटर्न है. इन सारी चीज़ों को जो है आपका बेसिकली एनिमल नोटिस कर सकते हैं, सो दैट उन्हें पता लगता रहे कि किस किस चीज़ की ज़रूरत है एक एनिमल को, और ह्यूमंस उनकी अकॉर्डिंगली केयर कर सकें. सो जैसे ही ह्यूमंस इनके पास रहकर और इनकी चीज़ों को नोटिस करने लगते हैं, इनकी फूड हैबिट्स को समझने लगते हैं, इनके बिहेवियर को देखने लगते हैं, ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करती हैं कि किस तरीके से उस एनिमल को बहुत बेहतर तरीके से कंजर्व किया जा सके. ओके, सो एनिमल्स इन द जू आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल द कंडीशन सिमिलर टू द नेचुरल हैबिटेट. यहां से हमें साफ पता लगता है कि एक एक्सीटू टाइप ऑफ कंजर्वेशन है. क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट द नेचुरल हैबिटेट. ये जंगल में नहीं बनाया गया है. ये कैसे बनाया गया है? यहां पर आपने एक एरिना तैयार किया विच इज क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ फॉरेस्ट, और वहां पर आपके वाइल्ड एनिमल्स लाकर रखे गए और प्रोटेक्ट करने की उन्हें कोशिश की. सो दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सीटू कंजर्वेशन. अगर उन्हें उनके नेचुरल हैबिटेट या जंगल में ही यू नो कंजर्व कर लिया जाता तो ये इनसीटू कंजर्वेशन हो जाती. ओके, जो कि आप इकोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे. सो चिल्ड्रन लव विजिटिंग दीज पार्क्स, जिन्हें कॉमनली हम लोग जू बोलते हैं, दैट इज वेरी ऑब्वियस. अब देखिए, जैसे कि ये है हमारे एनिमल्स राइनो, एंड आफ्टर दैट ये सारे एनिमल्स हैं जो कि आपको यूजुअली देखने को मिलते हैं जू में, जिन्हें देखने के लिए हम लोग जाते हैं. बेसिकली वी आर वेरी फैसिनेटेड टू सी द जू. बचपन में मैंने भी देखी है एंड आई होप आपने भी देखी होगी. सो यहाँ पे मेन प्रोस्पेक्टिव क्या है?
मेन जो चीज है वो आपकी ये है कि अंडर ह्यूमन केयर इन्हें रखा जाएगा और इनकी एक एक छोटी छोटी बात को नोटिस किया जाएगा जिससे इनके लाइफ पैटर्न को ड्रॉ किया जा सके, ये हमें पता लग सके कि इनकी इंपॉर्टेंट और असेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है, सो दैट दोज रिक्वायरमेंट्स कैन बी फुलफिल्ड बाय द ह्यूमन टेक केयर्स विच आर प्रेजेंट ओवर देयर। जो जू में जो ह्यूमंस हैं जिनको उनके लाइफ साइकिल से फर्क पड़ता है, जिन्हें उन्हें कंजर्व करने की जिम्मेदारी दी गई है, वो उन पर ठीक तरीके से निगरानी रख के उसके अकॉर्डेंस में काम कर पाए। सो दैट्स वाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स हाउ द जू बेसिकली वर्क्स। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए देन डू गिव दिस वीडियो अ बिग फैट थम्स अप, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज मेक श्योर कि आप इस बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो आपके पास इस चैनल की नोटिफिकेशंस नहीं आएंगी। एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू गेट कनेक्टेड टू अस ऑन टेलीग्राम एज वेल, द लिंक ऑफ आवर टेलीग्राम ग्रुप इज प्रेजेंट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, सो वहां पर जाकर आप लोग हमारे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड लेट्स क्रैक इट।